नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। मुख्यमंत्री समेत 43 विधायक पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल। कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर साजिश का आरोप। विज्ञापन खर्च को लेकर घिरी दिल्ली सरकार। केंद्र की कंटेंट रेगुलेशन कमेटी ने जांच में पाया दोषी। सरकारी खजाने में रकम वापस जमा करने का निर्देश। नरसिंह यादव डोप मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच। पीएमओ ने की थी सिफारिश। रियो ओलंपिक में मुकाबले से ठीक पहले हुए थे बाहर। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति। वेनेजुएला में जुटे 120 देशों के प्रतिनिधि। आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र में सुधार समेत वैश्विक हालात पर होगी चर्चा। और पाकिस्तान में मस्जिद को आत्मघाती हमला। 28 की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। आतंकी संगठन जमीयत उल अहरार ने ली हमले की जिम्मेदारी। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 43 विधायक पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए हैं। इसके बाद कांग्रेस की सरकार यहां नहीं रही है। पार्टी के साथ सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी रह गए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने फैसले को सही ठहराया। अरुणाचल प्रदेश में फिर राजनीतिक संकट गहरा गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत पार्टी के 43 विधायक शुक्रवार को पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए में शामिल हो गए। पेमा खांडू ने शुक्रवार को 42 विधायकों के साथ स्पीकर तेंजिंग नोरबू थोंगडोक से मुलाकात की। पीटीआई के मुताबिक स्पीकर ने विलय को मंजूरी दे दी। कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आगाह करना चाहते हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए नॉर्थ ईस्ट जैसी सेंसिटिव स्टेट्स में इस तरह का डेमोक्रेटिक फ्रॉड नहीं करें और जनता के मैंडेट को वो सिर आंखों पर रखकर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 44 विधायक थे। पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी पीपीए में शामिल नहीं हुए हैं। 2 महीने पहले ही नबाम तुकी को हटाकर पेमा खांडू को मुख्यमंत्री बनाया गया था। पीपीए बीजेपी की ओर से बनाए गए नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है। हालांकि बीजेपी इस घटनाक्रम में अपना हाथ होने से इनकार कर रही है। लेकिन उनका कहना है कि वो अपने कांग्रेस के जो नेतृत्व से वो नाराज है। वो दिल्ली में आकर के 5-5, 6-6 दिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उनके नेतृत्व से मिलने के लिए यहाँ इंतजार करना पड़ता है, तो नाराज होगा ही। और कांग्रेस के लीडरशिप में तो आज बिल्कुल एक खोखलापन सा है, तो वो नाराज हो गए। हमसे उसमें कोई लेन देन नहीं है, इसलिए बीजेपी को इसमें घसीटने की आवश्यकता नहीं है। अरुणाचल लगभग 1 साल से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। कांग्रेस के कुछ विधायकों के बागी हो जाने के बाद 26 जनवरी को यहां राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कलिखोपुल की अगुवाई में कांग्रेस के बागी विधायकों ने सरकार बनाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां कांग्रेस सरकार फिर बहाल हुई। हालांकि बाकी विधायकों को अपने साथ रखने के लिए कांग्रेस ने नबाम तुकी की जगह पेमा खांडू को मुख्यमंत्री बनाया था। अब पूर्वोत्तर में मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में ही कांग्रेस की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल जैसे कम संसाधन वाले राज्य को हमेशा केंद्र से मदद चाहिए। ऐसे में जरूरी था कि केंद्र सरकार के साथ कोई राजनीतिक मतभेद न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के विकास में पूरी मदद का वादा किया है। उन्होंने कल दिल्ली में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के साथ मुलाकात में ये बात कही। इस मौके पर दोनों देशों के बीच 3 करार हुए और नेपाल को $75 करोड़ के कर्ज की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री ने नेपाल को सभी लोगों को साथ लेकर चलने की सलाह भी दी। दिल्ली में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच शिखर वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि नेपाल के विकास में भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ट्रेड कनेक्टिविटी इन ऑल इट्स डायमेंशंस, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स आर की पिलर्स ऑफ आवर पार्टनरशिप विद नेपाल। नेपाल एंड इंडिया आर आल्सो क्लोजली वर्किंग ऑन अ रेंज ऑफ एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट
including energy and water resources sectors. इस मौके पर दोनों देशों के बीच तीन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. इनमें नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क निर्माण, बैंकों के बीच मुद्रा विनिमय और डॉलर में सस्ते कर्ज के भुगतान शामिल हैं. मधेशी आंदोलन की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल के विकास के लिए शांति जरूरी है. नेपाल विल सक्सेसफुल इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इंक्लूसिव डायलॉग एकोमोडेटिंग द एस्पिरेशंस of all sections of diverse society. You are aware that my government has made serious effort to bring everyone on the board as we enter the phase of implementation of the constitution in the interest of all segments of Nepalese society. नेपाल के प्रधानमंत्री ने विकास को प्रमुख एजेंडा बताते हुए परियोजनाओं के काम में तेजी लाने पर जोर दिया. India is rising in its global stature. Nepal fully supports India's aspiration for greater roles in international institutions. इससे पहले सुबह नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड का राष्ट्रपति भवन में राजकीय स्वागत किया गया. चार दिन के भारत दौरे पर आए प्रचंड शनिवार को नाथपा झाकड़ी पनबिजली परियोजना देखने जाएंगे. नेपाल की राजनीति में हृदय परिवर्तन का एक दौर साफ साफ दिख रहा है और अगर स्थितियां ऐसी बनी रही तो आगे आने वाले दिनों में नेपाल की समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता और भारत के साथ संबंधों में भी कोई बाधा नहीं आएगी. राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन. उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने छीने गए विभाग लौटा दिए हैं. वहीं गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा. मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है. मुलायम सिंह के अखिलेश यादव और शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद ये फैसले लिए गए. समाजवादी पार्टी में अनबन बढ़ने के बाद शुक्रवार को पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव खुद सामने आए. लखनऊ में उन्होंने कहा कि उनके रहते पार्टी में कोई फूट नहीं हो सकती. मुलायम सिंह ने बर्खास्त मंत्री गायत्री प्रजापति को वापस मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात भी कही और कहा कि बातचीत से सारे मसले सुलझ जाएंगे. अखिलेश और शिवपाल यादव में अनबन खत्म कराने के लिए मुलायम सिंह यादव ने दोनों नेताओं से मुलाकात भी की. बैठक के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि उन्होंने सारी बातें पार्टी अध्यक्ष को बता दी हैं और अब उनके फैसले का इंतजार है. जो भी फैसला करेंगे और कल करेंगे. उधर अखिलेश यादव ने इंडिया टीवी के कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर उन्हें बुरा लगा. अखिलेश ने टिकट बंटवारे में उनकी बात सुने जाने की भी मांग की और कहा कि पार्टी प्रमुख की वो हर बात मानेंगे. मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं नेताजी से मिलकर के आया हूँ और मैंने नेताजी से कहा ही, दूसरी बात ये कही है और जो मैंने अपने आप फिर सोचा है यही मैं कहा कि नेताजी आपको जो अच्छा लगे, जो जिसमें आपकी खुशी होगी वो फैसला मैं लूंगा. विभाग छीने जाने से नाराज शिवपाल यादव ने गुरुवार रात कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने इसे स्वीकार नहीं किया है. मंगलवार को अखिलेश यादव को हटाकर शिवपाल यादव को प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया गया था. विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी. समाजवादी पार्टी में घमासान पर विपक्षी दलों से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में है. बीएसपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी विचारधारा नहीं है और इसलिए पार्टी इस हालत में पहुंची है. बीजेपी ने कहा कि चुनाव के वक्त सरकार की ब्रांडिंग की कोशिश हो रही है जो सफल नहीं होगी. समाजवादी पार्टी के अंदर न कोई विचार है, न कोई सिद्धांत है, न नीति है, न कार्यक्रम है. केवल लूट ही लूट है और जहां इस तरह की मानसिकता हो उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं रह सकता. कहते हैं कि अखिलेश को दिखाया जाए कि उनके ऊपर दाग नहीं, मगर एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठकर और वो कठपुतली बना रहे और कहे मेरे ऊपर दाग नहीं, तो ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है और ये ब्रांड मेकिंग का समय निकल चुका. इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक और तमिलनाडु में हुई हिंसा पर चिंता जताई है और दोनों राज्यों से जवाब मांगा है. एनएचआरसी ने कहा कि कावेरी नदी के पानी बंटवारे के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु में हुई हिंसा के दौरान प्रशासन तमाशबीन बना रहा, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों
और हिंसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आयोग ने कहा कि अदालत के आदेश के मद्देनजर अधिकारियों को हालात से निपटने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि पुलिस और सिविल अधिकारियों ने कदम तभी उठाए जब बड़े पैमाने पर हिंसा हो चुकी थी और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा चुका था। दोनों राज्य सरकारों से 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा गया है। और इस बीच कावेरी जल विवाद को लेकर कल तमिलनाडु और पुदुचेरी बंद रहा, जिसका ज्यादातर इलाकों में असर दिखा। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और रास्ता जाम करने की कोशिश कर रहे लोगों को हिरासत में लिया। महानदी जल विवाद को लेकर आज दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शामिल होंगे। बैठक में ओडिशा सरकार की तरफ से उठाए गए सवालों का समाधान निकालने पर जोर होगा। बैठक इस लिहाज से भी अहम है कि जिस तरह के हालात पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच पैदा हो रहे हैं, उससे दोनों के बीच भविष्य में पानी को लेकर विवाद और गहरा सकता है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा महानदी के जल बंटवारे को लेकर आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन गुजरात में मना रहे हैं। इस मौके पर वो सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। गांधीनगर में उन्होंने अपनी मां से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इससे पहले राज्यपाल ओपी कोहली, मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत पूरी गुजरात कैबिनेट, बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघानी और पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं और से भी मिले और अहमदाबाद पहुंचने पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री आज दाहोद जिले के लिमखेड़ा में आदिवासी समुदाय और दक्षिणी गुजरात के नवसारी में दिव्यांगों के साथ बिताएंगे। प्रधानमंत्री दाहोद में एक सिंचाई परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे, जहां एक जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की यात्रा के दौरान कल चित्रकूट और बांदा पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की और इलाके के विकास के लिए पार्टी का एजेंडा पेश किया। चित्रकूट में लोगों ने उनसे 1 या 2 कारखाने लगाने की मांग की ताकि बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ 2 कारखाने लगा देने से बुंदेलखंड की समस्या खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के लिए विकास के लिए बड़ी योजना बनाने की जरूरत है। इसमें फैक्ट्री, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, अलग अलग चीजों पर सोच के बुंदेलखंड के लिए एक प्लान बनाने की जरूरत है। और हमारी सरकार यूपी में आएगी तो हम ये प्लान सिर्फ बनाएंगे नहीं, ये प्लान हम आपके लिए पूरा करके दिखाएंगे। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ। कलम गवाह है में इस बार देखिए मीडिया टाइकून, लेखक और वरिष्ठ संपादक राघव बहल से बातचीत का दूसरा भाग। आई थिंक आई हैव टू बी कैंडिड अबाउट कि हम लोगों ने थोड़ा शायद उस वक्त इतनी ऑब्जेक्टिविटी नहीं रखी जो हमको रखनी चाहिए। ऑडियो विजुअल मीडियम की जो ऑडियंस है वो हमेशा इतनी कमिटेड, इंगेज्ड ऑडियंस नहीं होती, तमाशाही भी होते हैं। और तमाशाही होने की वजह से आप प्रोग्रामिंग भी थोड़ी तमाशाही वाली देखते हैं। कलम गवाह है, शीर्ष संपादकों से संवाद सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। चुनाव प्रक्रिया में सुधार को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों ना ऐसे नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए जिन्हें आपराधिक मामलों में दोषी पाया गया हो। वर्तमान कानून के तहत ऐसे नेताओं पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मामले से जुड़ी याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय के साथ साथ संसदीय मामलों के मंत्रालय को 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 14 दिसंबर को होगी। याचिका में जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 और 9 को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में चुनाव प्रत्याशियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के साथ साथ उनके अधिकतम आयु सीमा भी तय करने की अपील की गई है। केंद्र सरकार की कंटेंट रेगुलेशन कमेटी ने दिल्ली सरकार को विज्ञापनों पर बेहिसाब खर्च करने के मामले में दोषी पाया है। कमेटी ने दिल्ली सरकार को रकम वसूल करके सरकारी खजाने में वापस जमा करने का निर्देश भी दिया है। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने दिल्ली सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कमेटी ने जांच में पाया कि 6 मामलों में आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। इस तरह के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त बीबी टंडन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। ये समिति सरकारी विज्ञापनों में होने वाले सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन की जांच करती है। दिल्ली सरकार के सभी अस्पताल, डिस्पेंसरी और पॉलीक्लिनिक 30 अक्टूबर तक 7 दिन खुलेंगे। डेंगू और चिकनगुनिया से 30 मरीजों की जान जाने के बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है। वहीं केंद्र सरकार ने इस मामले में दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को मदद का भरोसा दिलाया। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उपराज्यपाल नजीब जंग ने तुरंत स्वदेश लौटने को कहा है। सिसोदिया फिनलैंड के दौरे पर हैं। डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते प्रकोप के बीच शुक्रवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले। दिल्ली सरकार ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फीवर क्लिनिक खोलने की मांग की। उनका कहना था कि इससे दूसरे राज्यों के मरीजों को दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने केंद्र सरकार के अस्पतालों में 10% बेड चिकनगुनिया और डेंगू के मरीजों के लिए रखने की बात भी कही। केंद्र सरकार के जितने भी हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर है, जैसे कि एम्स, सफदरजंग, आरएमएल और जितने भी अस्पताल हैं, लगभग 10,000 बेड हैं, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कम से कम सभी अस्पताल में फीवर और चिकनगुनिया डेंगू के लिए कम से कम 10% बेड रिजर्व किए जाएं, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कैपेसिटी काफी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और 10% बेड भी अगर देते हैं तो 1,000 से ऊपर बेड नए बन जाते हैं। वहीं केंद्र ने राजधानी में हुई मौतों पर दिल्ली सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जो भी डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी अपने हॉस्पिटल में, सबकी केस हिस्ट्री मांगी जाए, सबकी डिटेल्स ली जाए, उसको एनालाइज किया जाए, उसकी रिपोर्ट हमको भेजी जाए, ताकि हम एनालाइज कर सकें कि ये घटनाएं कैसे घटी हैं। कांग्रेस ने दिल्ली की 70 विधानसभाओं में दिल्ली सरकार के खिलाफ भगोड़ा दिवस मनाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली को जब मंत्रियों की जरूरत है तो वह राजधानी से बाहर है, लेकिन कहीं पर भी कोई ढंग की इलाज नहीं हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक तो केवल 4 घंटे के लिए है, सिर्फ ढकोसला है, उसके अलावा दवाइयां कहीं पे भी नहीं है। डॉक्टर्स की बहुत बुरे हाल दिल्ली के अंदर है। दिल्ली आज पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। दुख की बात यह है कि ऐसे समय के ऊपर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के दोनों दिल्ली से बाहर। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से 30 से ज्यादा मरीज जान गंवा चुके हैं। दोनों बीमारियों से 2800 से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। अनु दीवान के साथ सोनू कुमार, राज्यसभा टीवी। बिजनौर में 4 लोगों की हत्या के बाद तनाव है। 2 गुटों के बीच झड़प में 12 लोग जख्मी भी हुए हैं। घायलों में 5 की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए मेरठ अस्पताल भेजा गया है। कथित रूप से एक लड़की से छेड़छाड़ के बाद हिंसा भड़क उठी। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। प्रशासन के मुताबिक हालात पूरी तरह से काबू में है। इस बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, जबकि जख्मी लोगों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मामले में प्राथमिकी दर्ज करके 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोषियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 3 दिन के दौरे पर आज वेनेजुएला पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति निकोलस मदुरो से हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच आतंकवाद से लड़ने और व्यापार बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर बात हुई। उपराष्ट्रपति हागोट निरपेक्ष सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं। इस सम्मेलन में इस बार करीब 120 देश हिस्सा ले रहे हैं। गुट निरपेक्ष सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र में सुधार, पश्चिम एशिया के हालात, वैश्विक शांति और सुरक्षा के अलावा जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, आर्थिक प्रशासन, शरणार्थियों और परमाणु निशस्त्रीकरण के मामलों पर भी बात होगी। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन से पहले उपराष्ट्रपति ने कहा है कि साझा विकास और आतंकवाद का खात्मा भारत की प्राथमिकता है। भारत को सौर ऊर्जा उपकरण बनाने में स्थानीय कंपनियों को संरक्षण देने की नीति बदलनी पड़ सकती है। विश्व व्यापार संगठन और पैनल मामले में भारत के खिलाफ अमेरिका की चुनौती को सही माना है। अमेरिकी सरकार ने भारत के राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत घरेलू कलपुर्जों की अनिवार्यता को चुनौती दी थी। WTO के अपीलीय निकाय ने अमेरिका के पक्ष में फैसला दिया है। 2011 में भारत ने सौर अनिवार्यताएं लागू की थी, जिसके तहत सौर ऊर्जा डेवलपरों को भारत में ही बने सेल और मॉड्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद से अमेरिका से भारत को होने वाले सौर पैनल निर्यात में 90% से ज्यादा की कमी आई है। पाकिस्तान की वजह से आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यदल बनाने में बाधा आ गई है। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में तकरीबन सभी देश इस पर सहमत थे।
कि आतंकवाद के मामलों पर एक राय बनाने के लिए मिलकर काम किया जाए। गुटनिरपेक्ष देशों का ये समूह आपस में चर्चा करके संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ भारत के पेश प्रस्ताव पर समर्थन बनाने की कोशिश करता, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी किसी भी कोशिश का विरोध किया। गुटनिरपेक्ष देशों के मंत्री स्तर की बातचीत में भारत की तरफ से एम जे अकबर मौजूद थे। परमाणु भंडार बढ़ाने के मकसद से पाकिस्तान एक नया यूरेनियम संवर्धन केंद्र तैयार कर रहा है। ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर कहूटा में इस केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। वैश्विक सुरक्षा पर शोध सामग्री प्रकाशित करने वाले पत्रिका IHS जेन्स इंटेलिजेंस ने इसका खुलासा किया है। पत्रिका के मुताबिक एक अमेरिकी सैन्य सेटेलाइट से मिली तस्वीरों ने इसकी पुष्टि की है। खबर के मुताबिक ये तस्वीरें पिछले साल 28 सितंबर और इस साल 18 अप्रैल 2016 को ली गई थी। पाकिस्तान ने साल 1998 में सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया था। अफगानिस्तान की सीमा के करीब पाकिस्तान के कबायली इलाके में हुए बम धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 28 हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में कई की हालत नाजुक है। हमले में घायल को बाजौर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। पेशावर की तहसील अनावर में मस्जिद के अंदर धमाका हुआ। लोग इस वक्त जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। जमीयत उल अहरार ने हमले की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कड़ी निंदा की है। यह धमाका ऐसे वक्त में हुआ है जब नवाज शरीफ ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज करने की बात कही थी। अमेरिका ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के सूचना प्रमुख को मार गिराने का दावा किया है। पेंटागन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वाइल आदिल हसन की मौत सीरिया के रक्का में हो चुकी है। पेंटागन के प्रवक्ता पीटर कुक के मुताबिक अमेरिकी सैन्य गठबंधन के 7 सितंबर को वाइल को निशाना बनाकर हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसे इस्लामिक स्टेट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वाइल सीरिया से IS का सूचना चलाता था और वो संगठन की परिषद शूरा का अहम सदस्य था। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि दक्षिण सूडान में जारी हिंसा से विस्थापित होने वालों लोगों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इनमें से करीब 3,75,000 लोग युगांडा में विस्थापित जीवन जीने को मजबूर हैं। पिछले एक हफ्ते में ही 20,000 नए विस्थापित दाखिल हुए हैं। अभी तक महज 1,85,000 लोगों को ही शरणार्थी का दर्जा मिल पाया है। इनमें से ज़्यादातर कांगो, इथोपिया और कीनिया जैसे देशों में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मदद कर पाना एजेंसियों के लिए मुमकिन नहीं है। The fighting has shattered hopes for a real breakthrough and triggered new waves of displacement and suffering over the past few weeks. And organizations such as ourselves are finding it very difficult for logistical security and funding reasons to provide the protection and assistance that that is needed by the refugees and the 1.61 million internally displaced. बात खेल की दुनिया की। रियो ओलंपिक में अपने मुकाबले से ठीक पहले बाहर हुए पहलवान नरसिंह यादव के मामले में CBI ने अपनी जांच शुरू कर दी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके CBI जांच कराने की मांग की थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत से तकरीबन 20 दिन पहले ही नरसिंह पर डोपिंग के आरोप लगे थे। टीम के रवाना होने से ठीक पहले नाडा ने जाँच में नरसिंह यादव को डोप टेस्ट का पॉजिटिव पाया था। मामले में काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गई और नरसिंह को रियो भेजा गया। हालांकि कुश्ती महासंघ ने खेल पंचाट को ये यकीन नहीं दिला पाए कि नरसिंह यादव साजिश का शिकार हुए हैं। इस वजह से फैसला उनके पक्ष में नहीं गया। नरसिंह तो रियो ओलंपिक से बाहर किए जाने के साथ साथ उन पर 4 साल का प्रतिबंध भी लगाया गया है। दिल्ली में स्पेन के खिलाफ चल रहे डेविस कप ग्रुप प्ले ऑफ मुकाबलों में कल भारत को निराशा हाथ लगी। सिंगल्स मुकाबलों में साकेत माइनेनी को डेविड फेरर के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा। फेरर ने साकेत को सीधे सेटों में 6-1, 6-2, 6-1 से हराया। इस मैच में जीत के साथ उन्होंने स्पेन को 2-0 की बढ़त दिला दी। इससे पहले एकल वर्ग के पहले मैच में फेलिसियानो लोपेज ने रामकुमार रामानाथन को 6-4, 6-4, 3-6, 6-1 से हराकर स्पेन को शानदार शुरुआत दिलाई। हालांकि रामकुमार तीसरा सेट जीतने में कामयाब रहे। चौथे सेट को छोड़कर बाकी सेटों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया। इस मुकाबले में रामकुमार के सामने राफेल नडाल को उतरना था, लेकिन पेट में समस्या के कारण वो मैच खेलने नहीं उतरे। आज से डेविस कप के युगल मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें लिएंडर पेस और माइनेनी की जोड़ी फेलिसियानो लोपेज और मार्क लोपेज की जोड़ी से भिड़ेगी। बात खास शख्सियत की। आज हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि है।
हिंदी सिनेमा के अलावा हसरत जयपुरी ने उर्दू शायरी में भी एक अलग मकाम बनाया। करीब 3 दशकों के लंबे करियर में हसरत जयपुरी के कलम से कई बेहतरीन गीत निकले। हसरत जयपुरी ने हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत राज कपूर की फिल्म बरसात से की। हिंदी सिनेमा के गीतकारों में हसरत जयपुरी ऐसे इकलौते गीतकार रहे हैं जिन्हें टाइटल गीतों को लिखने में महारत हासिल रही। जुबा पर चढ़ने वाले आसान से शब्द हसरत के गीतों की पहचान रहे। संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ उन्होंने कई सदाबहार रोमानी गीत दिए। हसरत के लिखे गीत और पार्श्व गायक मुकेश की आवाज़ की जुगलबंदी को सिने प्रेमियों की बेहद सराहना मिली। आइए सुनते हैं हसरत जयपुरी को, याद करते हैं उनकी फिल्मों के गीतों के जरिए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे। मुझे यूं बुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे। और अब आखिर में हेडलाइंस। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, मुख्यमंत्री समेत 43 विधायक पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल, कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर साजिश का आरोप। विज्ञापन खर्च को लेकर घिरी दिल्ली सरकार, केंद्र की कंटेंट रेगुलेशन कमेटी ने जांच में पाया दोषी, सरकारी खजाने में रकम वापस जमा कराने का निर्देश। नरसिंह यादव डोप मामले की सीबीआई ने शुरू की जांच, पीएमओ ने की थी सिफारिश, रियो ओलंपिक में मुकाबले से ठीक पहले हुए थे बाहर। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति, वेनेजुएला में जुटे 120 देशों के प्रतिनिधि, आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र में सुधार समेत वैश्विक हालात पर होगी चर्चा। और पाकिस्तान में मस्जिद में आत्मघाती हमला, 28 की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी, आतंकी संगठन जमीयत उल एहरार ने ली हमले की जिम्मेदारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।